अरे यूँ था बताया था कई बार, पर भाई साहब हम करा था करा कि ऑटो चलानी आदमी किसके पास जावा, जब जब गलत कर रहे हैं हम उस तो ऊपर की जानी हमारी सोचे नहीं उस तो ऊपर, बताओ फिर कहाँ। उसकी वाइफ ने कर रखा था ज़्यादा, तो घर का काम भी, अपना जो निजी काम थे वे भी, वो जज साहब ड्यूटी पे होते थे जब भी वो घर पे बुला लेते। रोज़गार कोई है नहीं है कि रोज़गार था, कोई साधन नहीं कमाई का, कोई किल्ले नहीं, कोई कुछ नहीं था, तो बस ये प्रेशर था उसके ऊपर घर वालों का भी कि भाई नौकरी करनी पड़ेगी, काम बताओ है भाई कर लिया करे, और क्या होगा इस तरह फालतू, बस सब यूँ ही क्या करती इस छोरी का मारा, बस बेचारा सुने गया, और वो गाली गुड़ी भी दे देती थी जी, वो भी सुन के आ हाँ जाता। जो पुलिस प्रशासन है उस मतलब जी वो जॉब कराया करता, उनका तो हक बना था एक बार बिल्कुल आन का बिल्कुल बच्चा ने संभालन का, कोई दूर दूर थी जी कोई मतलब नहीं किसी ने, भाई मारे करता आदमी गया हमने बेरा के गया है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना किसी ने कोई मतलब, बस वो फोन तक भी नहीं कराया जी, उनने तो भी जज साहब थे उनके गनमैन थे उनका भी हक था पूछण का, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं ना तो जी पूछण का तक जरूर था भाई, फोन करण का तो जरूर खास था। हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। गांव किलोई में हाँ, और बहुत बड़ी घटना उर घटी है कि एक उच्च अधिकारी का दबाव के कारण एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड करना पड़ जे है, और आप खुद देखो कि आदमी किस सिचुएशन में होगा जब किसी का दबाव में आ कहने उसकी सुसाइड करे होगा। उसके बड़े भाई साहब हैं अपने साथ में और उनके पिताजी भी हैं, और आज 13वीं है जो भाई की 13वीं है आज, तो भाइयों तय पूछांगे कि के कुछ वाक्या होया था और के कुछ था। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। तो के कुछ बताए करदा सुनील भाई, या चीज़ मेरे गला बनन लग रही है और के कुछ सारा कुछ। देखो भाई साहब उसने बताया था कई बार, मेरे आपा जी बताई, मासी बताई, अपनी बीवी को भी बताई, भाई उसकी बीवी मेरे पर ज़्यादा प्रेशर है और वो भी ज़्यादा प्रेशर घेर रहे हैं काम का, भाई घर का भी काम करवावे हैं, जैसे आइडिया दे भी कई बार ले गए भी जा करता रहे बताने नहीं, जैसे खात भी ले गया है पेड डैम गिरती है भाई, पेड डैम गिरना हमने हम भी कहा पूछ लिया अरे भाई वो क्या करा इसका बोले पेड डैम गिरना है, अरे मैं तेरा काम दे कोई ना बोले कोई पता नहीं कर लें कोई नहीं मैं ठीक है, हम भी फिर नोए भाई और कोई रोजगार नहीं था, तीन भाई थे हमें, दो दो ऑटो चलावा हमें, एक वो था भाई वो ही संभाले था हमारे परिवार ने, अब हम भी नोए कह दिया अरे भाई जो कर भी होता हो भाई करिए अपनी नौकरी कर ले तो हमारे दो और कोई रोजगार नहीं है काम कर ले भाई करना पड़ेगा उधर, अरे यूँ ही था बताया था कई बार, पर भाई साहब हम करा था करा कि ऑटो चलानी आदमी किसके पास जावा, जब 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 गलत कर रहे हैं हम उस तो ऊपर की जानी हमारी सोचे नहीं उस तो ऊपर, बताओ कहाँ जावा किसके आगे शिकायत करा। तो न्याय प्रणाली का ऊपर भरोसा कराया जा सके है, और जब न्याय व्यवस्था ही करप्ट हो जाए है, जब न्याय देनिया ही आदमी दी मारण की सोचेगा तो आदमी उस तो ऊपर जाने की कड़े सोचेगा भाई। आदमी जब सारा रास्ते बंद हो जाए है नहीं, तो उसके पास में न्याय प्रणाली का सहारा हुआ है कि भाई चलो जज सही न्याय करेगा। लेकिन जब जज ही आदमी दी मारने की सोचा है फिर क्या करें, तो किसके पास में उसकी ड्यूटी थी। ए डी जे रेवाड़ी है हरबीर सिंह दहिया, उनके पास में ड्यूटी बतौर गनमैन थे उनके पास, और ड्राइवरी भी करार थे खरे, वैसे गनमैन थे उनके पास में बतौर गनमैन थे ए डी जे हरबीर सिंह दहिया रेवाड़ी जी, तो सुसाइड नोट छोड़ कर गया है, सुसाइड नोट में किस किस का के कुछ नाम लिख कर गया बिल्कुल छोड़ा गया साफ साफ बड़े अक्षरों में, और भाई पूरा सुसाइड नोट लिख रखा है भाई ने, वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी है अपनी बीवी के पास से, पूरा बताया उसने, और बात भी करी है मैंने इसे पहले हमारे पास से भाई, हरबीर सिंह दहिया और उसकी बीवी मैंने जीण नहीं दे रहे कती, जीऊँ दा जीऊँ के क्रम में भाई इतना प्रेशर घेर दिया मैं, बस मरण गए मतलब उसने मरण के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा, आखिर कर दिया उसकी गल्ले कती। तो लोग इस बार हमें भी सोचते होंगे कि भाई उसकी रिज़ाइन दे देना चाहिए था, नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, तो या उसकी के सोच का नौकरी को नहीं छोड़ी होगी। भाई तीन भाई हम सब तो छोटा था मेरा भाई, अरे भाई पांच छह बालक हो गए जो हमारे दो रहे, एक किला नहीं अंता हमारे दौरे पूरा किला जमीन का, दोनों ऑटो चला ना 100-200 रुपये लिया ये बड़का ने खा लिया ना देना इसी, अगर वो रिजाइन दे दे वो हमारे घर में मतलब जो भी सामान लिया करता या जो भी कुछ होया करता वो ही लिया करता हमारे घर में, अगर वो भी रिजाइन दे दे तो वे उस दौरे भी तीन बच्चे हैं, दो लड़की हैं एक लड़का है, लड़की के दिल में भी छेद है और आँखें भी पहला चल रहा है उसका, तो अगर वही रिजाइन दे दे अरे तो फिर वे बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे मर गए, माँ बाप भी भूखे मर गए, और बच्चे उन्हीं के सारे थे हम सारे मतलब उनके के नौकरी के सारे थे वैसे देखे जाते, पर उन नगा हो गया भाई साहब रिजाइन नहीं दे सकता, वो परिवार का दबाव भी था उस पर, अगर भाई तो नौकरी कर
करनी पड़ रही थी, उसने दबाव पूरा था उसका। तो एक केस की भी बात आई थी उसके ऊपर, झूठा मुकदमा दायर करने की बात हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उसने पूरा सुसाइड नोट में भी लिखी है बात है। अगर भाई मैंने इनकार कराया काम करने से, उनका गलत काम करवा रहे थे जो घर घर का, तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पूरा सुसाइड नोट में बाकायदा उन्हें पूरा साफ साफ अक्षर नाम लिख रखा है। अगर भाई मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब झूठा करवा दिया यार, तो रेवाड़ी मेरी सुनवाई होनी है, रेवाड़ी जज है, तो वो फंस गया, जाओगा जाओगा कहाँ, कहाँ सुनवाई होगी तेरी। बस वही सोच गया वो भाई, कहाँ जाऊँगा मैं, क्या होगा मेरे, मेरी तो जेल भी होगी, नौकरी भी गई, बच्चे बच्चे भूखे मर गए, माँ बाप कहने भी देखा उसने, माँ बाप के खाऊंगे। तो वही बात थी भाई साहब, जिस जज ने फैसला सुनाना उसी ने केस दर्ज करवाया, तो आप उम्मीद कर सको हो कि भाई उसकी न्याय बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि जिस तरह प्रताड़ित तो होगा ना, वो बेचारा रिजाइन करने फिरे था, और उसके बाद में उसे भी केस दर्ज करवा दिया, तो सुनवाई भी उसी ने करनी थी, तो उसका हक में फैसला तो आना ही को नहीं था भाई। मैं बिल्कुल भाई साहब आना आना 100% ई मारी गल इतनी गलत बन रही है, जब भी उस जज के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, दो भाई के खिलाफ कर दिया था क्यों होना था उसका, जब तक इतना इतना हाईलाइट हो रहा है मामला, जब भी कुछ नहीं हो रहा जज साहब का, तब मारा देखा तीन जस्ती भाई उसके खिलाफ कुछ, जब हो जाए तो जब भी कुछ ना करे हो। तो उनके पास में वो 1.5-2 साल नौकरी भी करके आया है, तो उसकी आके ना कोई लई है संभाल की भाई किस तरह का हो गया के कुछ हो गया, तो आया है कोई आज तक भाई साहब? 13वीं भी होगी भाई की, ये गाँव है हमारे साथ, तो चलो हमारा भाईचारा है, दुख दर्द बांटा जिन्होंने, कोई नेता एक भी, कोई पुलिस वाला, कोई जज या कोई भी कोई प्रशासनिक अधिकारी, ये भी सांत्वना देने नहीं आया भाई। छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के यार, जिन्हें नौ भी नहीं बेरा के है के ना है, अगर भाई के हो रहा है इनका चक्कर के होगा आगे के होगा, कोई सांत्वना देने भी नहीं आया। मतलब ये तो चलो हमारा गांव हमारे साथ है, भाईचारा है, उन्होंने संभाला है हमें, ना तो हम भी मर लिया एम्प्टी था भाई साहब कि 13वीं होने दे, कोई आगे 13वीं हो लिया एम्प्टी दे। तो जो पुलिस अधिकारी उसका गल नौकरी करे कर दे, और पुलिस महकमा के लिए तो इसी बात नहीं है, एक टाबर वाला काम हो जाए, एक परिवार वाला काम हो जाए, तो क्या वो उसका गल साथ वाले नौकरी करने वाले आए हैं उरे बैठन? भाई साहब बिल्कुल एक भी नहीं आया, क्यों? रेवाड़ी जज है, रेवाड़ी है उसकी ड्यूटी थी, रेवाड़ी तो है उनके साथी आना, तो किसा दबाव ला लो आप भी समझो इस बात ने, क्या दबाव है दूसरे नौकरी वाले भी, हम भी समझ सका इस बात ने भाई, हमारे भाई भाई इतना ही दबाव था, तो उन भी दबाव है, अगर आ जाए कोई शिकायत कर दे क्या हो जाए, अधिकारी है पता नहीं क्या कर देगा, तो हम उनकी बात ने तो हम भी चलो समझा भाई नहीं आ सकते थे। तो भाई बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, एक वो छोटा लड़का है, 3 गुड़ियाँ हैं उस पर, 2 गुड़ियाँ हैं भाई साहब, एक लड़का है, 3 बच्चे हैं उसके। तो ताऊ जी हैं तो भी बात कर लें ना, कोई बात नहीं। राम राम ताऊ। राम राम जी। राम राम। मैं भी पकड़ लूँगा कोई बात नहीं। ताऊ इतनी जाति कर दी, आदमी किस पर भरोसा करे? सबसे बड़ा दुख तो भाई ये है, मैं आपको बताऊँ बात है, कि आज 13वीं होगी और आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी या इसके अपने जज साहब के परिवार से या कोई अन्य आदमी भेजना या किस प्रकार की सांत्वना देना, आज तक कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ, और आज 13वीं होगी। ये तो भाई हमारा गांव साथ है हमारे, इसलिए हमारा वो होना था, पता है ना क्या हो जाए, हैं हम सारे खत्म हो जाए, गांव साथ नहीं होते। तो एक और है नेता, इब आदमी किस पर भरोसा करेगा, इब जो से न्याय दे कर दे वहीं मारना पतुल रहे हैं। भाई साहब जैसे आप ने ये सुना, आप गांव में पूरी तसली करके जाइए, और मैं आपको ये भी बताता हूँ, गांव गांव में हाहाकार मच रही है इस बात की कि भाई एक ऐसे अच्छे इंसान के साथ जो ये व्यवहार हुआ है, ये कितना अमाननीय व्यवहार है। तो एक पुलिस वाला थी मेरे तक एक सुनाई थी सही वाली, जो असली स्टोरी हो है भाई, एक जज का गल है, एक पुलिस वाला जो गनमैन का रूप में रहा है उसकी ड्यूटी लग रही थी, उसके बाद में उसके साथ में कहीं विजिट पर वो चले जावे हैं, और एक होटल में बैग उतारने खातर बोलते हैं पुलिस वाला, तय पुलिस वाला कहवा है कि जी मेरा काम नहीं है, पुलिस का यू काम नहीं होता है कि किसी के बैग उतार के ना उसमें ले कर जावे, यू होटल स्टाफ का काम है, होटल स्टाफ को बोल लो उतार देंगे। तो इस बात की खुंदक जज साहब का होगी, और जज साहब ने क्या करे उसका चुपके से जानदे आने बैग उतार कर रख दिया, और आगे 5-7 किलोमीटर आगे जाया पाछा बोल दिया भाई तेरा बैग कहाँ है, तो उसने कहा जी बैग तो फिर वहीं पर रह गया। तो जब पुलिस वाला गाड़ी घुमाण ला गया, तो उन्हें बोले तेरे बाप की नहीं है या इसमें सरकार का तेल डला है, तो पैदल जा कर लेकर, तो इस तरह का प्रताड़ित कराया जावा है। तो उसे टाइम पर उस बंदा ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सुनील भाई साहब ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि
परिवारिक हालात इसे थे रिज़ाइन करे सूत नहीं आवे थी। ये भाई ऑटो चलावे हैं, परिवार का सारा लोड है उसी के कंध्या पे था। और ताई और ते भी बात करवावांगे भाई। तो भाई ये माता जी हैं और ये उनकी पत्नी हैं और यह गुड़िया है, इसका दिल में छेद भी बतावे हैं और आँखों में भी कमी है भाई, ऑपरेशन वगैरह होना है और परिवार का जो सारा लोड है उसी का ऊपर था। राम राम जी। राम राम जी। तो आप तो उसकी पहला यह बात शेयर को नहीं करी कि भाई इस तरह से मेरे को प्रताड़ित कराया जाने लग रहा है और मेरा दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? ये तो कदे ना बताई कि ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन वो तो बार बताई थी, कह दिया करता भाई नू परेशान कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी बहुत परेशान कर रही है। फिर उसकी वाइफ ने कर रखा था ज़्यादा, तो घर का काम भी अपना जो निजी काम थे वे भी, वो जज साहब ड्यूटी पर होते थे जब भी वो घर पे बुला लेती थी भाई आ जाओ ये काम है वो है, तो हम यही बोलते थे कि भाई घर का काम है कोई बात ना, लुगाई भी कर रहे हैं पुलिस की नौकरी, ये नहीं पता था कि उसको इतना परेशान किया जा रहा है भाई। बस एक रोज़गार कोई है नहीं, एक यही रोज़गार था, कोई साधन नहीं कमाई का, कोई किले नहीं, कोई कुछ नहीं था, तो बस ये प्रेशर था उसके ऊपर घर वालों का भी कि भाई नौकरी करनी पड़ेगी, काम बताओ है भाई कर लिया करे और क्या होगा इस तरह फालतू, बस अभी यूँ क्या करती इस छोरी का मारा, बस बेचारा सुने गया और वो गाली गुड़ी भी दे देती थी जी, वो भी सुन के आ जाता, फिर यूँ भी कहता कि गाली भी दे वे फिर भी इन सब्र कर लेते। गामा के जी अनपढ़ आदमी एक नौकरी तो बहुत कुछ दिखा करती भाई, मारती तो भगवान थी वह नौकरी, पर न्यू ना बेरा थी ये अब नौकरी खा लेगी ने भाई। एक गरीब परिवार थी चलान खातर नौकरी सब तो बड़ा सहारा मानना है आप, और एक मध्यम वर्गीय परिवार ने जो नौकरी मिल जाए तो नहीं सोचा है भाई जनो ये तो गुजारा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू नहीं बेरा था भाई यह नौकरी इसका मतलब काल बन जाएगी। और परिवार वाले कह करते कोई बात नहीं आप बोले दे वहाँ अगर कोई बात नहीं भाई कर ले जिसा किसा भी है सुन ले यार कि मैंने के घटा है, लेकिन न्यू नहीं बेरा था भाई इतना टॉर्चर और मानसिक रूप तो हो गया था कि उसकी सुसाइड करना पड़ा। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं या फिर जो और बड़े अफसर हैं वो कोई आया है उरा? बड़े अफसर तो जी कोई नहीं आया है और कोई हमने तो भाई कोई कार्रवाई भी नहीं लगी है कभी, कोई कार्रवाई हुई है नहीं तो भाई उनका जो पुलिस प्रशासन है उस मतलब जी वो जॉब कराया करता, उनका तो हक बना था एक बार आने का बच्चा ने संभालन का, कोई दूर दूर थी जी कोई मतलब नहीं किसी ने भाई मारे करता आदमी गया हमने बेरा के गया है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना किसी ने कोई मतलब, बस वो फ़ोन तक भी नहीं करा जी उनने तो भाई जज साहब थे उनके गनमैन थे उनका भी हक था पूछण का, ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ नहीं ना तो जी पूछण का तक जरूर था भाई, फ़ोन करन का तो जरूर था उनने भाई, अपने किसी ने कुछ नहीं सोची करते भी हो गया, बस ये झूठ बोल के गया था कि मैं रिवॉल्वर सर्विस रिवॉल्वर जो मिली थी कि मैं जमा करवा कहूँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैंने यह जमा करवानी है बस। नहीं को सुसाइड नोट में केस की भी बात हुई है भाई, केस दर्ज कर दिया झूठा उस पर, वो बहुत टॉर्चर हो गए परेशान हो गए मानसिक रूप तो बहुत परेशान हो गए, तो उनने भाई ये बताऊँ थे कि मैंने यह दो तीन दिन पहले कह रहे थे मैं तो पहले दिन आई थी, तो वे बता रहे थे कि भाई मैंने कही है जज साहब थे कि जी मैं तो मेरा ट्रांसफ़र करवा दो या फिर यह गुलामी नहीं होगी जी, जो जज साहब है वो काम बतावे, वो भी उनकी सिक्योरिटी थी फिर भी वो निजी काम करा करते, उनकी पत्नी ने इतना परेशान कर रखा था, तो उनने इस बात का विरोध किया, तो आगे से फ़ोन आया था उनके पास रेवाड़ी से कि तुम्हारे ऊपर कोई केस दर्ज है, तो उनने पूछी है बात भाई कारण बताओ कुछ पता है नहीं इस बारे में जो भी मैं ढंग तक करूँ हूँ तक के कारण है, तो उनने यही बोली कि जो हरवीर सिंह दया जज साहब है उनके ऑर्डर है हमारे ऊपर तो हमको करना पड़ेगा, तो बिना मतलब जी हमारा तो आदमी खा लिया जी उनने, उनकी तो एक जुबान लग गई, वो तो बड़े साहब है बैठे अपने घर में, इनका तो बाप गया हमारे घर का आदमी गया हमारा तो जी सब कुछ चला गया बस। तो एक बात हो रहा है जब न्याय व्यवस्था इस तरह की होगी जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करा कि हमने न्याय मिलेगा और जज फैसला करेगा, जे जज आदमी आदि खान लगेगा तो आप किसका दौरा जाओगे? किससे दौरा जान कर रहा कोई ना जी मारा था जी कति उनकी पत्नी ने उनने जी मारा तो कति नाश कर दिया, हम तो जी कति बर्बाद हो गए हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हमारा सारा परिवार खिंड गया जी एक आदमी के ऊपर, बस जी हमारा हमारे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य में क्या होना भाई कुछ हमको तो जी न्याय चाहिए, वो मरते टाइम यही बोल गए भाई उनको नहीं छोड़ना जो मेरे को मार गए भाई, हमारे तो आदमी गया जी बहुत मतलब बहुत रोया वो वीडियो कॉल भी करी फ़ोन भी बहुत रोया जी, बस यही बोल रहा है कि मैंने तो बच्चा के पास रहना मेरे को नहीं रहने दिया जा रहा मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है,
बोला भी भाई आप आ जाओ घर पे, नहीं तो हम आ जाते हैं, कुछ नहीं बताई जी, बस ये झूठ बोले गए मैं रेवाड़ी हूँ बस, यूँ कि कहीं कोई घर का ना आ जा। बहुत मेंटली टॉर्चर था जी वो, बहुत परेशान था और यही बोलता रह गया मैं तो बच्चों के साथ रहना चाहूँ, नहीं रहने दिया जा रहा। तो इसमें आपके पास में कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी? जी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, साइड नोट भी भेजा, रिकॉर्डिंग भी भेजी है मेरे पास, मैं दिखा दूंगी आपको इसमें सुनाइयो। तो भाई वॉइस रिकॉर्डिंग भी उसकी भेजी थी, सुसाइड नोट है वो, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा तो वो तो ही जाओगा। इन छोड़िए ना जो मन्ना मार गए, तो इन छोड़िए ना जो मन्ना मार गए, तो एक के शब्द कहो भाई जो मन्ना मार गए इसकी छोड़िए ना। तो यह बात करने आने क्योंकि बहुत दिल में दर्द था, क्योंकि इतना दर्द आदमी का जदे उसका है जब कोई बड़ा कदम उठा हुआ है, और भाई अपना आपा ती मारना कोई छोटा काम को नहीं, कोई मार के दिखा दे जब आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाए हैं, जब सारा कुछ ख़त्म हो जाए उसकी कतौड़ी कुछ नहीं दिखता, तब जाकर ने इतना बड़ा फैसला ले हुआ है। वो रिमन वालों में से नहीं थे वो भाई, और भी किसे की सुनता तो नहीं क्या करता, बोला कायर है नू थोड़ी कोई मरिया कर, कोई जी का दिखाओ, वो तो जी टॉर्चर इतना कर दिया, वो तो मरण वालों में नहीं थे जी बिल्कुल भी, बहुत परेशान कर रखा था उसको तो। उसकी औरत ने ज्यादा कराया भाई साहब, उसकी औरत ने हाँ उसकी औरत ने ये करा है, अग भाई जज का वो बॉडीगार्ड था तो फिर जज अपना काम करवाता, जज के साथ रहता तो उसकी औरत घर पे बुलाती, घर पे ये करती अग भाई मेरा ये काम करना है ये काम करना है इस उस पर, अब उसने वो घर पे बुलाया था तो वो गया नहीं, उसके फिर दिमाग में ये वो रहा, उसने फिर ये अपना ये काम कर दिया। तो उसमें सुसाइड नोट में यह बात भी लिखी गई थी भाई मैं मेरी ड्यूटी पूरी करने के बाद में आ गया था, 10 मिनट के बाद में फिर कॉल आया मेरे दो रहा। तो इस दिन वो 2-2 बजे बुलाते थे उसको, वो भी मेरे पास वो इस है कि 2:15-2 बजे मेरे को, मैं घर पे थी तो वो मेरे को बोलते थे सुबह कभी 3 बजे उठा देना, 2:15 बजे उठा देना, मेरे को ड्यूटी जाना है 2:15 बजे, कौन सी ड्यूटी होती है जी रात को, इतना परेशान उसको कर रखा था अपनी ड्यूटी पूरी करके, जो दूसरा गन मैंने उसको तैनात करके उसके बाद आया, ये बोला 10 मिनट में मेरे पास आओ, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता तो नहीं है, कैसे जाएंगे वो, बस उसको इतना परेशान किया, फिर कॉल आ गया तुम्हारे ऊपर केस दर्ज है, वो जी बहुत परेशान थे बहुत बोलते थे, माँ को भी इतना नहीं बताते थे, पापा को बोला था ये और अपने भाई को ही बोला था भाई मेरे को परेशान किया जा रहा है, घर वाले यही बोलते हैं भाई छोरी के बारे में सोच ले और घर के बारे में सोच ले, यो सब न दिख है जी ईसा कोई महल मारा खड़ा को ना मारा ऐसा कोई, वो भाई इन सोचते भाई कर ले जो कर भी हो तू कर ले भाई, तीन भाई हैं भाई, छोटा सा मकान है, 2 भाई ऑटो चला हुए हैं, उसकी चलो जॉब लगी थी 2011 में शायद उसकी जॉब लगी थी, और उसे का सारा यू परिवार चल रहा था भाई। हाँ भाई तेरा को नहीं कोई न्यू लग गया कि भाई, क्योंकि माँ तो अपना बेटा का दर्द समझ लेकर है, तो तुम समझा जी कौन मना रहा करता, बताया नहीं करता, रोनता भी देखती मगर के हो रहा ना कुछ ना, तू मेरे दूर मत आया कर, वो घना तंग था जी मेरे तय नहीं बताई, दुखी गणा करेगा जी दरक जाते बिल्ली खाई पानती कदे रोटी नहीं खाई सुन, अरे सुबह गए करते है मगर रोटी तो खा ले ना, रोटी ना खाता मैंने भूखू ने नू झूठ बोल देता मैं बाहर खाया इब हमने के बेरा उसने खाई कि ना खाई, वो तो जी करना दुखी कर रखा था, नुए जी ना दिया जाता हमारे ऊपर इतनी पड़ रही सारा कुंबा रो रो मर लिया, ये बालक दिख है कोने मरा जाता ना जी लकड़ता, पर उसकी गल्ला इतनी हो रही थी आखिर में बालक भी नहीं दिखे अपने, रिजाइन इन्हें की वजह तो को नहीं दिया भाई उसकी, रिजाइन देश क्या था वो उतनी बेरा था इन बड़का गुजारा कुकर होगा, इस गुड़िया का बारा में उसकी न्यू धाग भाई इसकी ज़रूरत है, और परिवार चलाने खातर भाई आम आदमी ने पीसा की जरूरत हो गया है। हाँ उसमें बताया उस भाई ने भी दल में भी इस गुड़िया का मारे तंग हो रहा था जी, अपना जान हो तो मासूम तो हम तो टोकरी करके खा लें, तो आँखा में भी गुड़िया का दिक्कत है, और भाई बड़का बदल उस बंदा ती यू काम करना पड़िया है, और नहीं कोई भाई मर कर राजी को नहीं, सारा आदमी जी का ना अपना जो परिवार गल है हंसी खुशी रह कर ना राजी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है कि न्याय देनिया ने ही एक माँ का लाल छीन लिया, एक बेटी का बाप छीन लिया, एक पत्नी का पति छीन लिया, एक बाण का भाई छीन लिया, तो भाई आप खुद हिसाब लगा लो कि इतने ज़्यादा क्रूर इस देश में लोग हैं,
उनती एक बार भी न्यू नहीं ला गया रहता हम इसकी इतना टॉर्चर ना करो क्योंकि इसका भी परिवार है, लेकिन ना अपनी चलती मैं कोनी फायदा उठा रहे थे उनने पता था भाई रोज ये नौकरी छोड़ सकता है नहीं, इसकी कति जितना हो ना उतना ही ना परेशान करो, बिल्कुल नौकर बना कर रख रखा था वो, बस उसकी मजबूरी थी। बहुत से कम है भाई नौकरी तो थी ससुरा छोड़ देता, पर हमने पूछो जी या छोरी है हमारे रोजगार नहीं था कोई, अगर उन्हें रास्ता दिखता तो वो छोड़ देता, मारे महल ना भरे मारे धनी तना को ना भाई वो नौकरी छोड़ देता, हम कुछ कर लेते। इस छोरी का हमारे मजबूरी में वो सुने भी गया, गाल भी सुने गया, काम भी करे गया, कति अंत हो लिया जी जब उसने यो काम कराया है कति। भाई इस देश में अगर कहीं पे भी न्याय व्यवस्था जिंदा है और प्रशासन जे अपना आप नहीं सोचा है कि भाई हम जमा सही हाँ, तो सुनील भाई ने भाई न्याय दवाण खातर आगे आओ, केस दर्ज करो और कड़ी ते कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनती बेरा है कि भाई जो सुसाइड नोट है अकेला सुसाइड नोट का बेस पे किसी को सज़ा नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि यू सह विटनेस का तौर पे ही काम करा है न कि आई विटनेस का तौर पे काम करा है। सारा सौदा होते हुए भी एक आदमी ने जब लिख कर ना अपनी सारी व्यथा बता दी उसके बाद में भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, देश का दुर्भाग्य है और यह लचर व्यवस्था है जिस तरह सुनील भाई ने न्याय मेरे हिसाब से तो मिलन नहीं लग रहा, और किसे आके ने बड़ा अधिकारी ने भी सांत्वना नहीं दी है परिवार तक कि हम आपको न्याय दिलावांगे, कोई भी नहीं आया होगा यह बात कहने खातर तो हमने न्याय दी। खादे कट्टे भी ले गया जी वर्क है सारा गांव गवा है, कौन सा गनमैन की ड्यूटी खादे कट्टे ले जान की उनके पौधे जमाने की, पानी दिया करता पानी के सारे काम करे हैं जी उसने, पर वो परेशान बहुत कर दिया, बहुत टॉर्चर कर दिया वो, बस उसने लास्ट में कुछ नहीं दिखा, वो ऊपर तो झूठा केस और उसके ऊपर बनावे वो कित जा ना, वो घर क्या था कहने का नहीं मेरा भाई, घर क्या का जवाब होगा भाई कर ले नौकरी क्यों करे भी हो भाई कर ले नौकरी, मेरे आगे भी एक दिन रोया बोला मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ मका के हो गया मका लुगाई भी तो करे हैं, छोरी के बारे में सोच मका इसका के होगा, दो तीन बालक से जी बस चुप रह गया फिर उड़े न सोची भाई जवाब तो ये मिलना है, उसके सारे रास्ते जी बंद कर दिए थे। इस जज की वाइफ ने तो बहुत परेशान कर रखा था, जज से भी ज़्यादा तो उसकी वाइफ ने कर रखा था जी। सभी साथियों का अनुरोध है भाई इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि यह बात ऊपर तक जावे और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं डिप्टी सीएम साहब हैं उनका यह संज्ञान में आवे और एक ईसा निडर जज का तो रही केस जावे जो इस न्याय व्यवस्था ने खान लायक रहे हैं ये जज दूसरे उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होवे और किसी गरीब का जो बालक है वो इस तरह से ना मरे, कुछ सुधार की ज़रूरत है। और आपका मन में के कुछ सवाल आवे हैं और के कुछ आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।